योगी आदित्यनाथ मोरबी बांकानेर नी जनता ने समस्त सौराष्ट्रना काठियावाड़ियों ने अभिवादन करू छो। आज के इस गुजरात विधानसभा चुनाव मैं बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जीतू भाई सोमानी जी, मोरबी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और कई बार जिन्हें गुजरात विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है श्री कांति भाई अमृतिया जी, राजकोट के लोकप्रिय सांसद श्री मोहन भाई कुंडारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री छेदी जोशी जी, जिला प्रमुख पंचायत राजकोट श्री भूपत भाई बोदर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोरबी श्री रणछोड़ भाई दलवाड़ी जी, बांकानेर स्टेट के महाराजा महाराज केसरी देव सिंह जी, भानु भाई मेहता जी, नागदान भाई चावड़ा जी, बाबू भाई जडेजा जी, हिरण भाई पारिक जी और उपस्थित बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि की का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ का पावन धाम का प्रदेश है। मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद जिस प्रदेश में निरंतर बना रहता है और उस प्रदेश की धरती से आज मुझे भगवान कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन गुजरात की धरती में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत दिनों मोरबी में हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी कालकलमित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश इस घटना में मोरबी की जनता के साथ में खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया, रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई अमृतिया जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं किस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है।
बार बार आई है और उस चुनौती का सामना करते हुए मौरवी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, साइक्लोन के समय, और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरवी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात के सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं, उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है, पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले एक वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, दुनिया की सुख समृद्धि और शांति के लिए वही सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरातवासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। ये गुजरात का ही मॉडल है जिसने कोरोना जैसी आपदा के समय, महामारी के दौरान, न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है,
हर व्यक्ति अपने आप को बचाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो जान है जहान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक नई प्रेरणा दी। कोरोना का प्रकोप दुनिया के अंदर बढ़ता गया, भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के लिए फिर कार्रवाई और उसके अनुरूप रणनीति भी तय हो गई। तीसरे चरण में आपने देखा होगा कि जो जहां बीमार है वहीं उपचार की व्यवस्था भी होनी है, यह कार्य भी हुआ। और जब लगा कि नहीं इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और भाइयों बहनों हर गरीब को, देश के 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और गरीब के लिए नई नई योजनाएं घोषित हुई। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब बात आती है तो भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आता है। विकास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बात आती है तो दुनिया के सामने भारत एक रोल मॉडल के रूप में रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है जिस देश की आजादी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई बार जेल की यात्रा की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जिस देश ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था, उस आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में यह देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी भव्यता के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा। हर घर तिरंगा इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों 1947 में कांग्रेस ने हो सकता है कि हमारे घरों में भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को पहराने में चूक की होगी, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव कैसे होना चाहिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों भगवान श्री कृष्ण कभी मथुरा छोड़कर के द्वारिका में आए थे, द्वारिका उनका धाम बना, एक तीर्थ बन गया। आज गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही आज उसका भव्य रूप जब देखने को मिलता है, द्वारिका के भव्य स्वरूप को सामने लाने का कार्य होता है, अंबा माता के मंदिर के भव्य रूप को दुनिया के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे ही भारत की विरासत के प्रतीक, आस्था के प्रतीक, इन सभी धर्मस्थलों को एक भव्य स्वरूप देखने को मिलता है तो उससे एक नई प्रेरणा हम सबको भी प्राप्त होती है। और हम सब आभारी हैं आपके, आपने बार बार मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना, मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई और देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है, और भाइयों बहनों उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिला था, मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए, कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों, यही है जो संकल्प लिया। आज विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत, आस्था के तीर्थ स्थलों का होगा सम्मान और उसका भव्य स्वरूप आप उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ
धाम में जाइए, वहां पर भी यही भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप उज्जैन में जाइए, महाकाल के महालोक का दर्शन करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उसका लोकार्पण भी किया है। और भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों, कांग्रेस ना आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस ना आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस ना देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस ना वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है। और कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था, कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया। ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए। और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है, समय आ गया और आ गया है समय। और इसीलिए गुजरात में कोई संदेह नहीं, आज डबल इंजन की सरकार जिस तेजी के साथ कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उपेंद्र भाई पटेल जिस मजबूती के साथ यहां कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए मोरनी की हर सीट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल की तरफ जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं। और मैं आप सबसे इस बारे में करूंगा कि आप सभी इस बात से सहमत हैं कि देश का विकास और देश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है। आप मानते हैं देश की सुरक्षा, देश की आस्था का सम्मान ये केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आप मानते हैं ना? सभी लोग मानते हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, अगर आप ये मानते हैं तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे बांकानेर से भारतीय जनता पार्टी ने जुजारू कर्मठ कार्यकर्ता को, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जीवन पर्यंत एक निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरा जीवन जिया है। ऐसे श्री जीतू भाई सोमानी को बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मोरनी से भारतीय जनता पार्टी ने श्री कांति भाई अमृतिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए बहुत कठिन होता है कि हर घर जा सके, एक एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी स्वयं बनना होता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है। और गुजरात से ज्यादा इसको कौन समझ सकता है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को
कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जय 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 गरवी गुजरात, जय 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 गरवी गुजरात, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। खुब खुब आभार। आपने सब अपना स्थान पर उभार थे फरी एक बार भारत माता की।